पुनः स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो इस समय केशव भवन के अंदर मौजूद है। इससे पहले हमने आपको लाइव दिखाने की कोशिश की थी लेकिन सिग्नल की वजह से आप पूरा लाइव नहीं देख पाए थे। तो इस समय मोहन भागवत जो है वो जम्मू में पहुंच चुके हैं और अब यहां से अगर आज के दिन को मिलाएं तो 4 दिवसीय दौरा है लेकिन कल से जो असल इनकी मीटिंग्स होंगी तो उस हिसाब से 3 दिन तक अगले जो है वो मोहन भागवत अब अलग अलग जो प्रांतों से जो लोग यहां पर आएंगे या फिर संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं उनसे बैठकें करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार पब्लिक गैदरिंग जो है वो नहीं होगी। धारा 370 की समाप्ति और यूटी बनने के बाद मोहन भागवत का ये पहला दौरा है और विशेषकर ये दौरा उस समय है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर अटकलें जो है वो तेज हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द यहां पर चुनाव होंगे। और इससे पहले जब चुनाव हुए थे जब भाजपा ने रिकॉर्ड बेहतरीन प्रदर्शन किया था तो उस समय भी आरएसएस का काफी बड़ा योगदान रहा था और जो प्रचार था विशेषकर वो आरएसएस इस दौरे के बाद ही बूस्टअप हुआ था और इस बार भी दोबारा से चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में मोहन भागवत का जम्मू कश्मीर का दौरा और 4 दिवसीय दौरा इस ओर इशारा करता है कि बिल्कुल रणनीति को लेकर यहां पर चर्चाएं हो सकती हैं। अगर मोहन भागवत की बात करें तो विशेषकर धारा 370 और कोविड 19 के संकट के बाद उनका ये दौरा है तो ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं से संघ के जुड़े लोगों से ये भी जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर उनका क्या योगदान रहा इस कोविड 19 के दौरान और किस प्रकार संघ के लोगों ने जो है वो आम जनमानुष की जो है वो सेवा की है। और मोहन भागवत के बारे में आपको बता दूं तो खुद को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना जो है वो मोहन भागवत की एक प्रमुख पहचान है और संघ से जुड़े हुए मसलों पर वो काफी ज्यादा गंभीरता से जो है वो विचार विमर्श करते हैं और हर वर्ष जो है वो अलग अलग प्रांतों का जो दौरा है वो करते हैं और तमाम जानकारियां जो है ऑन ग्राउंड अगर आप कहें रियलिटीज जो है वो उनसे रूबरू होते हैं और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाती है। तो इस बार जम्मू कश्मीर को चुना गया है लेकिन ऐसे समय में चुना गया है जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है वो जल्द होने वाले हैं। तो इस समय इस केशव भवन के अंदर जो है वो मोहन भागवत सरसंचालक जो है वो मौजूद है और आज से ही शायद उनकी जो अहम बैठकें हैं वो शुरू हो जाएंगे अलग अलग प्रांतों से लोग और विशेषकर जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो एक्टिव संघ के जो मेंबर्स हैं और जो प्रमुख पदों पर इसमें विराजमान हैं संघ की तरफ से तो उनकी भी इस समय जो बैठकें हैं वो यहाँ पर होंगी और अगले 4 दिनों के अंदर किस प्रकार संघ को आगे कार्य करना है और जो चुनाव यहाँ पर आएंगे उसमें संघ से जुड़े लोगों का संघ के कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों का क्या रोल रहेगा उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। वहीं बीजेपी को लेकर भी अटकलें हैं कि शायद मोहन भागवत से कुछ चर्चाएं की जाएं लेकिन इस समय यही बड़ा अपडेट है कि मोहन भागवत है वो 4 दिवसीय दौरे पर जो आज से शुरू होगा वो जम्मू में पहुंच चुके हैं और इस समय केशव भवन के अंदर मौजूद है जहां की सुरक्षा को जो है वो इस समय कड़ा कर दिया गया है और आने वाले 4 दिनों में चुनावों को लेकर और बाकी मसलों को लेकर जो है वो मोहन भागवत के साथ अलग अलग लोगों की बैठकें होने वाली हैं जिसमें कुछ अहम फैसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं।